मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। बजट सत्र के शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा है कि बजट सत्र में सभी सांसदों का स्वागत है और आज की वैश्विक स्थिति में भारत के लिए बहुत सारे अवसर हैं। ये सत्र देश की आर्थिक प्रगति, टीकाकरण कार्यक्रम, मेड इन इंडिया वैक्सीन के बारे में दुनिया में एक विश्वास पैदा करता है। पीएम ने आगे कहा कि इस सत्र में भी चर्चा के मुद्दे और खुले विचारों वाली बहस वैश्विक प्रभाव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है और ऐसी उम्मीद है कि सभी सांसद, राजनीतिक दल खुले मन से गुणवत्तापूर्वक चर्चा करेंगे और देश को तेजी से विकास के पथ पर ले जाने में मदद करेंगे। तो वहीं पीएम ने कहा है कि सांसदों से अनुरोध करता हूं कि चुनाव चलेंगे लेकिन बजट सत्र पूरे साल का खाका खींच लेता है, तो सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे देश को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने में उतना ही बेहतर होगा। और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन, पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मदद रूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती है, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, माननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर आमजन के हित में केंद्रीय बजट को पेश किया जाएगा। बजट में इस बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करते हुए नदियों को जोड़ने के लिए बड़ा पैकेज तैयार किया गया है। आने वाले दिनों में सरकार किस विजन पर काम करेगी इस बात पर भी बजट में फोकस रहेगा। जहां देश का 2022-23 का बजट कल आएगा, हमें तो पूरी उम्मीद है और राष्ट्रपति अभिभाषण में भी जिस तरह का सरकार का फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाया गया है कि जो मूलभूत आम आदमी की सुविधाओं के साथ साथ जो आने वाले दिनों में हमने काम करना है,
चाहे वो स्टार्टअप्स को लेकर हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करने की बात हो, चाहे R&D की बात हो, केंद्र ने पीछे भी इन पर काम किया है और आगे भी इस पर फोकस करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा हरियाणा के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के हर घर को सालाना 6,000 रुपए की धनराशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के तहत दी जाने वाली ये सालाना राशि 6,000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप में प्रदान की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को 6,000 रुपए की धनराशि हर महीने 500 रुपए के रूप में दी जाएगी और राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी हैं इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1,80,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर परिवार कृषि क्षेत्र से संबंध रखता है तो उसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए और तभी वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। और इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जब तक सब परिवारों का एक प्रकार से सर्वेक्षण करके हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में नहीं उनको एक प्रकार से पहचान कर लेते तब तक हमारा टारगेट कौन है, किसको हमने लाभ पहुंचाना है वो करना संभव नहीं था। 3 प्रकार की श्रेणियां, उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग, ये श्रेणियां हमको बना करके तभी इन चीज़ों का लाभ हम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए परिभाषा के तौर पर जो हमने निम्न आय वर्ग इसकी जो परिभाषा रखी है वो किसी भी परिवार की कम से कम 15,000 रुपये मासिक या 1,80,000 रुपये वार्षिक ये उसकी आय आमदन, इस आय से नीचे के लोगों को हम निम्न आय वर्ग का एक ऐसा परिवार मानते हैं। इससे ऊपर मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग, उसकी कोई हमने कोई एक लिमिट अभी नहीं तय की है, विचार की है, आगे चल के विचार करेंगे, लेकिन प्रथम चरण में तो ये जो निम्न आय वर्ग है इसके लिए भिन्न भिन्न योजनाएं हमने बनाई हैं। इसकी आय कैसे बढ़े तो उसके लिए पहले चरण में 1,00,000 रुपये वार्षिक आय के जो परिवार थे इन सबको एक स्थान पर बुलाकर अंत्योदय मेले हमने लगाए, गरीब मेले, अंत्योदय मेले, रोजगार मेले, कुछ भी हम कह सकते हैं, और हर एक ब्लॉक स्तर पर लगभग 250 से ऊपर 270 के आसपास ऐसे जो मेले हैं वो अलग अलग दिन लगे हैं। तीसरी योजना वो है मानधन योजना, इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, किसान हैं, लघु व्यापारी हैं और श्रमजीवी हैं। ऐसे लोगों को 18 साल से लेकर के और 40 साल तक ये प्रीमियम अपना देना होता है। इसकी प्रीमियम की दर 55 रुपये 20 साल में देनी हो, 20 साल आयु के, 18 साल आयु के बाद 55 रुपये और 40 वर्ष की आयु होने पर 200 रुपये, हर वर्ष अलग अलग इसकी दर है। ये कंटिन्यूटी में है, एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, जिस समय रजिस्ट्रेशन कराएंगे जो उसकी आयु होगी उस आयु के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, उसको जमा कराना होगा और बाद में हर वर्ष आयु के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। जैसे आयुष्मान भारत इस स्कीम में भी अभी तक जो भी 15.5 लाख परिवार इसमें लाभान्वित हुए हैं वो SECC डाटा, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इस आधार पर जो डाटा था उन्हीं परिवारों को उसमें जोड़ा गया है। लेकिन आगे जो परिवार उसमें नहीं जुड़े हैं और 1,80,000 रुपये वार्षिक की आय से कम के परिवार और भी हैं उनको भी हम अपनी ओर से जोड़ेंगे और उसका जो प्रीमियम होगा वो हरियाणा सरकार भरेगी, क्योंकि पहले SECC डाटा का जो प्रीमियम है वो केंद्र सरकार देती है, बाकी इसका जितनी भी संख्या है वो सब का सब हरियाणा सरकार इसमें प्रावधान करेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार पॉलिसी तैयार कर रही है, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वालों को सब्सिडी मिलेगी और बड़े वाहनों को भी ई व्हीकल की ओर ले जाया जा रहा है। गुड़गांव सहित बड़े शहरों में अब ग्रीन नंबर प्लेट के वाहन काफी संख्या में दिखाई देने लगे हैं तो पेट्रोल डीजल के वाहनों के विकल्प के तौर पर ग्रीन प्लेट वाले ई वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन के स्थापित करने वालों को सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी।
हमारी ई व्हीकल पॉलिसी पूरी तौर पर तैयार है और उम्मीद करते हैं आगामी जो कैबिनेट की बैठक है उसमें अप्रूवल देकर आम जन के लिए उसको हम लॉन्च करने का काम करेंगे, जिसके अंदर चाहे वो कमर्शियल जगह हो, चाहे कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आम आदमी भी अपने घर में ई स्टेशन लगवाना चाहे, उसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से भी हम सब्सिडी देंगे। पूरी उम्मीद है कि लोग कन्वर्ट होंगे। आज गुड़गांव में, दिल्ली में हम देखते हैं बहुत सी हरी नंबर प्लेट की गाड़ियां घूमने लगी। इसका मतलब लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना शुरू किया है। मगर बड़े लेवल पर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से डाइवर्ट होकर हमारे ग्रीन व्हीकल्स की ओर जाए, ये हमारा सबका सपना होना चाहिए। और इसके अंदर मैं तो चाहूँगा कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी व्हीकल्स को इस तरह हम कन्वर्ट करने का। पंजाब चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर बीजेपी चाहेगी तो वो प्रचार में जरूर हिस्सा लेंगे। फिलहाल रैलियों पर रोक लगी हुई है, जिस वजह से रैलियों पर जैसे ही रोक हटती है तो कार्यक्रम तय होते हैं और वो भी प्रचार के लिए जा सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को सर्वे में बढ़त के सवाल पर उन्होंने कहा कि सर्वे में विश्वास नहीं करते। हरियाणा विधानसभा चुनाव के सर्वे भी गलत हुए थे, जो सरकार बनाने के दावे करते थे वो एक सीट पर सिमट गए थे। तो जेजेपी की एक सीट दिखाई जा रही थी जबकि उन्हें 10 सीट मिली। तो चुनाव को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। तो पंजाब की बात हो, जननायक जनता पार्टी ना तो पंजाब में, ना उत्तर प्रदेश में, ना उत्तराखंड में लड़ी, मगर जब कोई रैलियां शुरू होगी और जहां ऐसा लगेगा कि हमारे जाने से प्रभाव पड़ता है, जरूर इस पर भी पार्टी विचार करेगी। आपकी टूट कब से होगी? अभी तो रैलियां ही बंद है। अगर रैलियां शुरू होगी उसके बाद कोई भारतीय जनता पार्टी अपना रैलियों का प्रोग्राम बनाएगी और वो भी जब होगा जब इलेक्शन कमीशन परमिट करेगी। किसानों की तरफ से मनाए जा रहे विश्वासघात दिवस को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले किसान पंजाब में चुनाव तो लड़ लें, उसके बाद आंदोलन भी करते रहे। पहले उनको चुनाव तो लड़ने दो, पंजाब की जनता दिखा देगी वो कितने बड़े नेता हैं। आज विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में पुतले फूंके जा रहे हैं। पहले पंजाब में वोट मांग ले वो लोग, जिनने इतने दिन हरियाणा को ऐसी स्थिति में लाकर रखने का काम किया था। उसके बाद ये तो 10 मार्च कोई ज्यादा दूर नहीं, रिजल्ट भी आपके पास होगा। प्रदेश भर में केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ वो संयुक्त किसान मोर्चा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और झज्जर में किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया है। फतेहाबाद में नारेबाजी करते हुए किसान सड़कों पर उतरे, सरकार का पुतला फूंका और विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमा पर सरकार ने उन्हें आश्वासन देकर घर भेजा था कि उनकी मांगे पूरी होगी, लेकिन सरकार अब इस पूरे मामले में विश्वासघात कर रही है। करनाल के मिनी सचिवालय में सैकड़ों किसानों ने जोरदार हंगामा किया। किसानों ने मांग की है कि किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाए और MSP पर कमेटी बनाने का काम शुरू किया जाए। इसके अलावा शहीद किसानों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाए। तो वहीं गुरुग्राम में किसानों ने यह बात कही है कि अगर किसानों की तरफ से उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया सरकार ने तो 3 फरवरी से किसान बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू करेंगे। 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस अलग अलग जगह विरोध की। तो करनाल, झज्जर, गुरुग्राम, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, रोहतक जिले की तस्वीर आप देख रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ अलग अलग जिलों के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों के द्वारा। वहीं करनाल में इंडिया न्यूज के संवाददाता महेंद्र सिंह ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से खास बातचीत की, दिखाते हैं आपको। सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। जिस तरह सरकार ने किसानों के साथ वादे किए थे उन पर आरोप लग रहा है कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है। ऐसे में आज यहाँ जिला सचिवालय पर प्रधानमंत्री का पुतला जो फूंका गया, आप देख सकते हैं कि किसान जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से जो समझौता सरकार के साथ हुआ था उस पर सहमति नहीं बनती दिखाई दे रही है। इसके अलावा किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन पर अभी तक सरकार ने वापसी नहीं किया, नाराजगी साफ तौर पर है। ऐसे हमारे साथ किसान नेता, उनसे जानेंगे कि क्या रहेगी आज की विरोध की। जी सर,
तो क्या है आज का विरोध, क्यों किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी सरकार ने जब किसानों के साथ वादा किया था, उन्होंने 3 कानून तो उसी टाइम रद्द कर दिए थे, लोकसभा और राज्यसभा में भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो कमेटी बनाने की और अगले मुद्दे थे मुकदमे वापस करने के, उन सभी मुद्दों पे अब वो लगातार टाल मटोल कर भैया रख रहे हैं। इसी करके 15 जनवरी को एसकेएम की मीटिंग हुई थी, उसमें फिर सरकार को 15 दिन का टाइम दिया था, अगर आप 31 तक हमारी कमेटी गठित कर दो या किसानों को बुला लो दोबारा बातचीत के लिए, अगर आप नहीं करते तो दोबारा से फिर प्रदर्शन होंगे। और उसी तरीके से अब कल से, जो आज तक भी सरकार का कोई मैसेज नहीं आया, कल से हम जिन राज्यों में चुनाव है सभी किसान यूपी उत्तराखंड में जाकर सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे और सरकार की जो ये गलत नीतियां हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार झूठ बोलने के मामले में नंबर एक है, इसको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए इस मामले में, क्योंकि ये इतने उच्चे उद्योग पर बैठकर जो बातें करते हैं वो पूरी नहीं करते, सिर्फ ये एक वादे करने वाली सरकार बन गई है। इस करके हम आगे अब कल से दोनों तीनों राज्यों में जहाँ पे ज़्यादा जो फैसला करते हैं हमारी सेंटर की राजनीति का, उनमें जाके हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, जो किसानों के खिलाफ ये वादा खिलाफ की है उसके खिलाफ हम आगे लगातार प्रदर्शन करेंगे। तो बिल्कुल, देखिए एसकेएम के आह्वान पर आज जो है जिला सचिवालय पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, किसानों की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई कि यदि बीजेपी अपने वादों से मुकर रही है तो किसान जिन राज्यों में चुनाव है अब उनमें बीजेपी के खिलाफ उतरेंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। भिवानी में आज कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए थे, जिस पर श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने सुनवाई करते हुए 13 मामलों को सुलझाया। 2 पर कमेटी बनाई गई। भिवानी में हुए डाडम हादसे पर अनूप धानक ने बयान दिया और कहा कि हादसे के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अनूप धानक ने धानक से 5 राज्यों में हो रहे चुनाव पर पूछा गया कि किसकी सरकार बनेगी, तो उन्होंने कहा कि चुनाव विकास पर हो रहा है, जिसने विकास करवाया होगा वो सत्ता में आ जाएगा, चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। किसानों की तरफ से फिर प्रदर्शन किए जाने पर उन्होंने कहा कि किसानों की मांगें पूरी की जा चुकी हैं, फिर भी कोई कसर है, कोई कोर कसर है तो उसे भी पूरा कर दिया जाएगा। कमेटी की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में कुल 16 परिवाद थे और 16 में से 13 परिवाद आज निपटा दिए गए हैं, उनका निपटारा हो गया है, और 2 परिवादों में हमने कमेटी बना दी है, एक हमारे एसडीएम साहब की अध्यक्षता में और एक ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई थी, उसमें एक मेंबर हमने जोड़े हैं, तो उनकी समस्याओं का भी समाधान करने के लिए जल्दी ही प्रयास वो भी करेंगे। गार्डम के मामले में हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने भी संज्ञान लिया था और उन्होंने संज्ञान लेकर के सभी जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। 5 राज्यों में जो चुनाव हैं वहाँ विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, जिन्होंने विकास किया है वो सामने आपके आ जाए। किसानों से वादे किए गए थे लगभग तो पूरे हो चुके हैं। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और विधायक नैनपाल रावत को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। विधायक नैनपाल रावत ने भी कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वो उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। यहां आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जो कर्मचारी पहले से गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं उनकी जगह होम गार्ड ना लगाया जाए। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि जो कर्मचारी पिछले कई साल से यहां काम कर रहे हैं उनको भी नियमित करके विभाग के रोल पर रखा जाए। ये स्वास्थ्य कर्मी हैं हमारे बीके हॉस्पिटल से, ये कोई कर्मचारी प्लम्बर है या कोई पीएन है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इस तरह की बहुत सारे पोस्टों पे आउटसोर्सिंग के बंदे लगे हुए थे और कई कई वर्ष इनको हो गए, तो ये चाहते हैं कि इन लोगों को दोबारा से आउटसोर्सिंग पे वहीं की वहीं रखा जाए और जो नए जो कर्मचारी भर्ती इनकी जगह हो रहे हैं वो नहीं भर्ती कर पाएँ और इन्हीं को वहाँ पे दोबारा से एडजस्ट कराएं। विज्ञापन ये इस बात को लेकर दिया गया है जी कि हमारे कुछ कर्मचारी ठेकेदार ने अपनी तानाशाही के तहत निकाल दिए हैं और कुछ हमारे सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी समय से 8-8 साल हो गए, किन्हीं को 10-10 साल हो गए, किन्हीं को 5 साल हो गए, वो कार्य कर रहे हैं काफ़ी समय से, अब सरकार ने उनकी जगह के होम गार्ड को लाकर के भर्ती करने का प्रयास कर।
कोरोना की तीसरी लहर में अब संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि बीते 30 दिन के अंदर 26 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। हालांकि करनाल जिले के अंदर कोरोना वैक्सीन के फर्स्ट डोज 100% तक लोगों को लग चुकी है, जबकि सेकेंड डोज का ग्राफ अभी 85% तक है। वहीं 15 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें वैक्सीन का आंकड़ा लगभग 82% है। 1 फरवरी से जहां सरकार स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है, तो वहीं वैक्सीन ड्राइव भी चल रहा है। संवाददाता महेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की तीसरी लहर में अब संक्रमण की दर जो है वो कम होने लगी है। रविवार को जिले में 96 कोरोना के मामले मिले हैं। ऐसे में जो संक्रमण की रफ्तार है वो लगातार घटती हुई नजर आ रही है। बात की जाए जनवरी महीने की, तो कोरोना की तीसरी लहर में जनवरी महीना कोरोना मरीजों के लिए सबसे घातक साबित हुआ है, क्योंकि अब तक 26 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि वैक्सीनेशन की बात की जाए तो करनाल जिले में पहली डोज का वैक्सीनेशन 100% हो चुका है, जबकि सेकेंड डोज की जो आंकड़े हैं वो करीब 86% हैं। अभी 1 फरवरी से स्कूल खुलने हैं, ऐसे में जो बच्चों का वैक्सीनेशन है 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, उसमें काफ़ी तेज़ी आई है। हालांकि अभी भी करीब 4 से 5 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन की डोज लगनी अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार में अब कमी आई है उसको देखते हुए अब ये जो बच्चे हैं करीब 4 हज़ार, उनको वैक्सीनेशन में लंबा समय लग सकता है, क्योंकि इसमें कई तरह की तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अभी क्या स्थिति है वैक्सीनेशन केंद्रों की। जी, कैसे वैक्सीनेशन केंद्रों पर क्या स्थिति चल रही है? वैक्सीनेशन पर इस टाइम जो पब्लिक का जो क्राउड है वो थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है, चाहे वो आप 15 से 18 ले लीजिए या फिर आप जो सीनियर सिटीजन है बूस्टर डोज के लिए, जिनको जो बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हो गए हैं वो भी कम आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि भाई वैक्सीनेशन जो है कंपल्शन नहीं है, सरकार की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं दे सकता, वो अपनी ही इच्छा के अनुसार लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो इसके बाद भी देखा गया है, इस जब से ये खबर मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंची है तब देखा गया है कि उसके बाद से भी लोगों का आना यहाँ पर कम हो रहा है। और जो रही क्या स्थिति है बच्चों में भी है कि लगभग 10 से 15 बच्चे जो है रोजाना हमारे पास आ रहे हैं, बट जो कुछ नहीं आ पा रहे हैं वो स्कूलों में भी उनको लग चुके हैं कुछ को, और जिनको नहीं लगे हैं उनके भी जो है कैंप जो है स्कूलों में ऑर्गेनाइज कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर कम आ रहे हैं और वो स्कूलों में ही लगवा रहे हैं। तो अभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं कि बच्चे आते हैं लेकिन उनको वैक्सीन नहीं हो पाते, उनको लौटना पड़ता है, ये क्या समस्या है? रोजाना हमारे पास जो वैक्सीनेशन है कोवैक्सीन जो एक वायल है उसमें 10 डोजेज होती हैं, तो जब भी बच्चे आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप अगर हमारे पास रेगुलर बच्चे आते रहे कोवैक्सीन की डोज लगवाने के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है प्रतिदिन 10 से 15 की ही एवरेज आ रही है, तो हम कहते हैं कि जब 5 से 6 बच्चे हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे तभी एक वायल को खोलकर हम उसमें से डोज लगा सकते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम खोलकर हम उसमें से डोज लगा सकते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम 4 डोज लगा देते हैं और बच्चे उसके बाद नहीं आते हैं, फिर वो 6 जो है वो ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 4 घंटे ही होती है एक वायल जब हम खोलते हैं उसके बाद, ठीक है, तो वो 4 घंटे में बाकी बच्चे नहीं आ पाते हैं। इसकी वजह से हम कई बार बच्चों को कहते हैं इंतज़ार कीजिए, वो इंतज़ार ना करने की बजाय वो चले जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। हम तो किसी को मना भी नहीं करते कि ना जाइए, हम तो उल्टा उनको ये बोलते हैं कि आप इंतज़ार कीजिए, आएंगे बच्चे आएंगे, जिनको जरूरत होगी वो जरूर आएंगे, बट कोई भी यहाँ पर 10 से 15 मिनट से ज्यादा इंतजार करना नहीं चाहता। तो देखिए ये एक जो तकनीकी दिक्कत है वो वैक्सीनेशन में आई है, क्योंकि जो वैक्सीन की जो वायल है उसकी कैपेसिटी 10 डोज की है, लेकिन जिस तरह से रफ्तार घटी है उसके बाद एक समय में जो 10 कोवैक्सीन लगवाने वाले आयु वर्ग के बच्चे हैं वो नहीं पहुंचते। ऐसे में वैक्सीन खराब ना हो, वैक्सीन की डोज वेस्ट ना जाए, इसलिए उनको इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन लोग इंतज़ार नहीं करते और वो चले जाते हैं। ये एक तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार में अब मामूली कमी देखने को मिली है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहेगा इंडिया न्यूज़ के साथ।